कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर हुए हमले के बाद बढ़ाया जा रहा है हिंदू समाज का गुस्सा। हमले के विरोध में सड़क पर उतरे हजारों लोग। पीएम मोदी ने कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले की निंदा की, कहा हमारे राजनयिकों को भी डराने धमकाने की हो रही है कोशिश। ऑस्ट्रेलिया से विदेश मंत्री एस जयशंकर की मंदिर पर हमले मामले में कनाडा को दो टूक, कहा मंदिर पर हमला बर्दाश्त नहीं, आरोपियों पर कार्रवाई करे कनाडा। भारत ने कनाडा में मंदिर पर हमले पर जताई नाराजगी, एमईए ने कनाडा में पूजा स्थलों की सुरक्षा और हिंसा में शामिल लोगों पर कार्रवाई की बात कही। कनाडा में फिर हिंदू मंदिर पर हमले और श्रद्धालुओं की पिटाई के खिलाफ हिंदू फोरम का विरोध, विरोध में हिंदू फोरम ने बटोगे तो कटोगे का लगाया नारा। कनाडा में हिंदुओं के मंदिर पर हुए हमले में शामिल कनाडाई पुलिसकर्मी हरिंदर सोढ़ी को किया गया सस्पेंड, खालिस्तानी समर्थकों ने ब्रैम्पटन में मंदिर पर किया था हमला। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमले के आरोप में हिरासत में लिए गए तीन आरोपी, मंदिर पर हमले का बड़ी संख्या में हो रहा है विरोध। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भारत कनाडा संबंधों के खराब होने के लिए कनाडा के पीएम ट्रूडो को बताया जिम्मेदार, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कनाडा के पीएम अलगाववादियों के समर्थक हैं। उद्धव ठाकरे का नामांकन वापस न लेने वाले पांच प्रत्याशियों पर एक्शन, रुपेश महात्रे, विश्वास नांदेकर, चंद्रकांत गूगल, संजय तिवारी और प्रसाद ठाकरे को पार्टी से निकाला। महाराष्ट्र झारखंड चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बीजेपी पर बड़ा बयान, कहा दोनों राज्यों के लोग जानते हैं कि जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है। महाराष्ट्र में नामांकन वापसी के आखिरी दिन बीजेपी के 10 बागियों ने नाम लिए वापस, शिंदे गुट के 8, अजीत गुट के 6 बागियों ने भी नाम वापस लिए। महाराष्ट्र में नामांकन वापसी के आखिरी दिन शरद गुट के 4, उद्धव गुट के 7 और कांग्रेस के 10 बागियों ने नाम वापस लिए। मुंबई के अणुशक्ति नगर विधानसभा सीट से शिंदे गुट ने अपने उम्मीदवार को वापस लिया नामांकन, अणुशक्ति नगर से नवाब मलिक की बेटी सना मलिक लड़ रही हैं चुनाव। शिवसेना को लेकर शिंदे गुट और उद्धव गुट में घमासान जारी, शिंदे गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता देने के मामले में उद्धव गुट की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। शिंदे गुट की उम्मीदवार शाइना एनसी ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद, कहा अगर कोई एक नेता है जिसने महिलाओं के सम्मान के लिए आवाज उठाई है तो वो पीएम मोदी है। झारखंड के गढ़वा में पीएम मोदी ने बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर झारखंड सरकार को घेरा, कहा जेएमएम कांग्रेस आरजेडी मिलकर डेमोग्राफी बदलने की साजिश कर रहे हैं। बीजेपी ने हेमंत सोरेन पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया, हेमंत बिस्व शर्मा ने एनआरसी और यूसीसी लागू न होने पर झारखंड पर घुसपैठियों का कब्जा होने का दावा किया। झारखंड से चुनावी दौरे का आगाज करेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आज 3 विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाएंगे योगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आज झारखंड दौरा, कई चुनावी सभाओं में होंगे शामिल। कांग्रेस नेता विजय दुबे ने बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन के खिलाफ पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत, सीता सोरेन पर लगाया कांग्रेस प्रत्याशी इरफान अंसारी को बांग्लादेशी कहने का आरोप। यूपी सरकार तय करेगी कौन होगा पुलिस प्रमुख, योगी कैबिनेट से डीजीपी के चयन, नियमावली 2024 को मंजूरी मिली, हाईकोर्ट की रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी डीजीपी का चयन। यूपी, बंगाल, पंजाब, केरल विधानसभा उपचुनाव की तारीख बदलने पर अखिलेश का बीजेपी पर तंज, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। अखिलेश यादव के पोस्ट पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, कहा यूपी की जनता ने बना लिया है मन, हर बूथ पर कमल खिलेगा। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया को मैसूरू जमीन घोटाला मामले में लोकायुक्त का समन, सिद्धरमैया को 6 नवंबर को होना है पेश। कुंभ को लेकर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की बड़ी मांग, बोले कुंभ में गैर हिंदुओं के प्रवेश और पूजा सामग्री बेचने पर लगे रोक। कुंभ में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात का बड़ा बयान, मौलाना शहाबुद्दीन ने अखाड़ा परिषद के फैसले को बताया समाज को बांटने वाला। आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत का 2 दिन के दौरे पर चित्रकूट पहुंचे, संघ के कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। दिल्ली में छठ श्रद्धालु यमुना के जहरीले पानी में नहाने के लिए मजबूर, केमिकल झाग के बीच लोगों ने स्नान पर छठ पर्व की शुरुआत की। दिल्ली में नहीं सुधर रही हवा की गुणवत्ता, ठंड बढ़ने के साथ लगातार बढ़ रहा है वायु प्रदूषण, कई इलाकों में AQI 350 के पार। हवाई यात्रा के समय वाईफाई सुविधा के लिए DOT ने किया नियम में संशोधन, यात्रियों को अब फ्लाइट में भी मिलेगी वाईफाई सुविधा। चेन्नई के स्कूल में गैस लीक से मचा हड़कंप, हादसे में स्कूल के 30 छात्र हुए बीमार, अस्पताल में कराना पड़ा भर्ती। वायुसेना का लड़ाकू विमान MiG-29 क्रैश होकर आगरा के खेत में गिरा, पंजाब के आदमपुर से आगरा की उड़ान पर था विमान, हादसे के बाद पायलट ने कूद कर अपनी जान बचाई। यूपी के बदायूं में हॉस्पिटल के बाहर खड़ी एक कार में अचानक लगी आग, देखते ही देखते पूरी कार जलकर राख हुई। छत्तीसगढ़ के कांकेर में रिहायशी इलाके में सड़क पर घूमता दिखा तेंदुआ, इलाके में दहशत फैली। गुजरात के वलसाड में कार के बोनट से कोबरा निकलने पर मचा हड़कंप, घंटों की मशक्कत के बाद कोबरा सांप को गाड़ी से निकाला गया। यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगी फैसला, हाईकोर्ट ने 22 मार्च को मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था।
श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट आज करेगी सुनवाई। शाह ईदगाह कमेटी की दायर 3 याचिकाओं पर होगी सुनवाई। टीएमसी सांसद मोया मोत्रा को लोकसभा से निष्कासित करने के मामले में दायर याचिका पर आज सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। फिल्म अभिनेता सलमान खान को फिर दी गई जान से मारने की धमकी, ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल रूम में भेजा गया धमकी भरा मैसेज। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की टी शर्ट बिकने पर विवाद, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई की मांग। दिल्ली के मोनेस्ट्री इलाके में तेज रफ्तार अनियंत्रित डीटीसी बस ने लोगों को रौंदा, हादसे में एक पुलिस कांस्टेबल समेत 2 लोगों की मौत। दिल्ली में नांगलोई और अलीपुर में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग मामले में गोगी गैंग का नाम आया सामने, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का साथी है गोगी गैंग। दिल्ली के नांगलोई इलाके में अवैध वसूली के लिए गोगी गैंग ने विदेशी नंबरों से फोन कर दी थी धमकी, दुकानदार से मांगे थे 5 करोड़ रुपए। यूपी के अमरोहा में सिपाही पर लगा उधार का पैसा मांगने पर महिला को पीटने का आरोप, सामने आई पिटाई का वीडियो। यूपी के सिद्धार्थनगर में मां लक्ष्मी की मूर्ति विसर्जन यात्रा के समय पत्थरबाजी, विशेष समुदाय पर लगा पत्थरबाजी का आरोप। गुजरात के आणंद में मेले के समय पटाखे जलाने से रोकने पर हुआ विवाद, हथियारबंद युवकों ने हमला कर 3 लोगों को किया घायल, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। एलएसी पर डैम चौक के बाद देवसांग में भी भारतीय सेना की पेट्रोलिंग शुरू, भारत चीन समझौते के बाद शुरू हुई पेट्रोलिंग। जम्मू कश्मीर के राजौरी में गश्त के समय सुरक्षा बलों को मिली संदिग्ध वस्तु। कोलकाता के आरजी का रेप और हत्या मामले के मुख्य आरोपी संजय राय ने पुलिस और ममता सरकार पर लगाया उसे फंसाने का आरोप, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की मांग, राज्य से बाहर होनी चाहिए मामले की जांच। मध्यप्रदेश के उज्जैन में टोलकर्मी से मारपीट का मामला, एडिशनल एसपी ने कहा सीसीटीवी वीडियो के आधार पर की जाएगी कार्रवाई।